हेलो स्टूडेंट, आई एम राहुल सर, मैं टीचर फ्रॉम श्रीराम एकेडमी हाई स्कूल सतना। टुडेज टॉपिक सम एप्लीकेशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 6 एक्सरसाइज 9.1। हम 9.1 में हम सॉल्व करेंगे उसका नंबर 6। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जब आप एग्जांपल जब सॉल्व कर रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया था कि वो एग्जांपल आप सॉल्व करेंगे तो कौन से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज 9.1 के आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको मैं बता देता हूँ तो नंबर 6 को हमको फाइंड कैसे करना है। आई होप कि ये डायग्राम अगर आप बना लेंगे तो इसको हम फाइंड कर सकते हैं। मेन है डायग्राम, तो फर्स्ट हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। 1.5 मीटर टॉल बॉय इन द स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, मतलब एक 30 मीटर की बिल्डिंग है और एक बॉय है, वो कितनी उसकी वो हाइट उसकी क्या हो जाएगी, 1.5 मीटर का है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट बना लेता हूँ एक बिल्डिंग और एक बॉय बनाता हूँ। तो यहाँ पे हम बनाते हैं बिल्डिंग, ये सपोज कि ये हमने ले लिया एक बिल्डिंग, जो बिल्डिंग की जो हाइट है वो क्या है, देखिए बिल्डिंग की हाइट क्या है, 30 मीटर की है। तो ये हाइट क्या होगी इसकी, 30 मीटर ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग ये हमने क्या दे दिया, बिल्डिंग दे दिया। सॉल्यूशन यहाँ पे राइट कर लीजिएगा, सॉल्यूशन। अब देखिए ये बिल्डिंग हो गई, अब एक बॉय क्या कर रहा है, इस बिल्डिंग को देख रहा है, मतलब बिल्डिंग से क्या है, सम डिस्टेंस में है, मतलब कुछ डिस्टेंस में। तो हम ये ग्राउंड हो गया, अब ग्राउंड से ले लेते हैं कि कुछ डिस्टेंस कितना होगा, ये हम डिस्टेंस ले लेते हैं कि यहाँ पे एक बॉय है वो क्या कर रहा है, वो स्टैंड अप है, स्टैंडिंग, बिल्डिंग के पास क्या है, वो स्टैंडिंग है। यहाँ पे बिल्डिंग के सम कुछ डिस्टेंस में है, अब उसकी हाइट क्या है, देखिए बिल्डिंग की जो हाइट भी दी हुई है, बॉय की हाइट क्या है, 1.5 मीटर, मतलब इसकी जो हाइट है वो क्या है, 1.5 मीटर है, मतलब इसकी हाइट क्या है, 1.5 मीटर है। तब देखिए जो इसकी जो बिल्डिंग हाइट होगी वो किसके इक्वल हो रही है, मतलब ये जो हाइट हो रही है वो इसके इक्वल हो रही है, मतलब जो यहां से यहां तक की जो हाइट होगी और इसके भी ये क्या होगी, यहां से यहां तक की भी हाइट क्या होगी, दोनों सेम होगी। ये आपने एग्जांपल नंबर 3 में भी इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, ठीक है। अब देखिए क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पता है कि जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं, मतलब जो वाई की जो आईज होगी वो टॉप ऑफ द बिल्डिंग होगा, वो एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए कितने का बन रहा है, फ्रॉम द हिज आईज, मतलब वाई की आईज से टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप में बन रहा है, मतलब हम ले लेते हैं ये आईज हो गई, तो ये बिल्डिंग का क्या है, टॉप पार्ट है, तो यहां से क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, बट कितने का बन रहा है, इंक्रीज, मतलब यहाँ पे एंगल तो बन रहा है बट इंक्रीज भी हो रहा है, इंक्रीज फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री, मतलब फर्स्ट यहाँ पे बना है 30 डिग्री का, उसके बाद कितने का बना, 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री कब बनेगा, मतलब पहले बॉय यहाँ पे था तो हल्का कुछ देर बाद वो कहाँ पे आ गया, सपोज यहाँ पे आ गया होगा, मतलब इंक्रीज हो गया, बॉय अभी यहाँ पे है, बाद में कहाँ पे आ गया, कुछ इसके आगे आ गया, तो आगे हम ले लेते हैं कि बॉय कहाँ पे आ गया होगा, यहाँ पे आ गया होगा, कुछ देर बाद कहाँ पे आ गया, यहाँ पे बॉय आ गया। तो जब इतने पास से जब एंगल देखता है तो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन गया, कितने डिग्री का बन गया एंगल, 60 डिग्री का एंगल बन गया। तो हम यहाँ पे कर देते हैं 60 डिग्री, तो ये जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का एंगल हो गया। अब आपको देखिए क्या करना है, ही वॉक टूवर्ड बिल्डिंग, मतलब जो बिल्डिंग के जो पास आ रहा था, मतलब पहले यहाँ पे बॉय था तो बिल्डिंग के पास कितना आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, तो वो बिल्डिंग के पास वो जितना पास आया उतनी हमको क्या करनी है, उसकी डिस्टेंस फाइंड करना है। जैसे पहले बॉय यहाँ पे है, उसके बाद वो कितना आगे बढ़ो, हल्का यहाँ पे इतना आगे बढ़ गया, मतलब हमको ये यहाँ की जो पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा और एक पॉइंट कहाँ पे होगा, एक पॉइंट यहाँ पे होगा। तो हम यहाँ पे कुछ नाम भी देते हैं, ये ए हो गया, ये बी ले लेते हैं यहाँ पे, ये बी, ये सी, ये डी, और ये क्या ले लिया हमने, ई ले लिया। अब हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, बिल्डिंग के वो कितने पास गया, तो ये बिल्डिंग मतलब यहां से वो इतना दूर गया, तो इसकी हमको हाइट, ये हमको डिस्टेंस फाइंड करना है कि यहां से वो इतना दूर गया तो उसका डिस्टेंस क्या हो गया, ये आपको फाइंड नहीं करना है। बट आपको पता है कि जब आपको ये फाइंड आप तभी आप कर सकते हो जब आपके पास ये चीज भी दिए होंगे। तो अब आप इसको हम फाइंड कैसे करेंगे, देखिए ये यहाँ पे मैंने उत्तर मार्क कर दिया, मैंने आपको बताया कि डायग्राम के बारे में आपको कुछ लिखना भी पड़ता है, तो हम यहाँ पे डायग्राम के बारे में कुछ लिख लेते हैं।
तो यहाँ पे मैंने राइट कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना है, नॉर्मली आप समझ भी सकते हैं। जैसे मैंने राइट किया, देखिए आप एक चीज बता देता हूँ कि एसी, एसी क्या है, ये टोटल बिल्डिंग की हाइट थी, और हमारे पास जो बीसी है ये वाई की हाइट हो गई, तो हमको क्या चाहिए, ए बी हमको चाहिए होगा। तो पहले हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, लेट द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग इज डीसी, मतलब जो यहाँ से स्टार्टिंग ये जो डिस्टेंस हो गया, मतलब जो वायर वो डिस्टेंस हमको फाइंड करना था बिल्डिंग से, वो कितने के पास गया, बिल्डिंग के कितने नियरेस्ट में वो गया है, तो क्या है हमारा डीसी है। तो यहाँ पे लेट कर दिया, फाइंड द लेट द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, क्या हो जाएगा डीसी, मतलब हमको डीसी हमको फाइंड करना है कि यहाँ से वो इतना दूर बिल्डिंग के पास कितना नियर गया, तो हमने ये लेट कर लिया। एंड द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग क्या है, देखिए बिल्डिंग की हाइट क्या है, एसी है, टोटल टोटल जो बिल्डिंग की हाइट क्या है वो एसी, तो एसी हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमारे पास दिया भी हुआ है, मैं यहाँ पे राइट भी कर देता हूँ, एसी इक्वल क्या है हमारे पास 30 मीटर है और बीसी भी है, तो देखिए हाइट हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज एसी, सो एसी इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए यहां से यहां तक के पास आपके पास टू परपेंडिकुलर है, ए बी है और क्या है बीसी है, तो एसी इक्वल क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बीसी, तो एसी की वैल्यू क्या है यहाँ पे मैंने राइट कर लिया 30 मीटर है, और ए बी हमारे पास नहीं दिया हुआ है तो हम ए बी फाइंड कर सकते हैं इसलिए, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी की जगह मैंने कोई पुट किया, और बी सी, बी सी भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, बी सी क्या है, बॉय की हाइट थी क्या 1.5 मीटर, तो मैंने 1.5 मीटर कर दिया। अब 1.5 को मैं वहां पे ट्रांसफर करूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे, क्या रहेगा 30 मीटर माइनस प्लस है तो माइनस में चला जाएगा, 1.5 मीटर जाएगा, और ए बी यहाँ पे राइट कर दिया। अब 30 में मैं 1.5 मीटर को सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या 28.5 मीटर आएगा, और ए बी मतलब हमारे पास जो ए बी, ये जो हमें हाइट चाहिए था वो हमने यहाँ पे फाइंड भी कर लिया, क्योंकि जब हमारे पास ये हाइट होगा तब हम ये फर्स्ट फाइंड करेंगे, फिर हम क्या करेंगे सेकंड फाइंड कर पाएंगे, जिससे हमारे पास ये वैल्यू आएगी। तो 28.5 मीटर ए बी हो गया हमारे पास, तो ए बी सी इज अ ट्राइंगल, देखिए ए बी सी इज अ क्या है, ट्राइंगल है, मैंने ट्राइंगल कर दिया यहाँ पे, और भी आप कर सकते हैं क्योंकि एक ही चीज ट्राइंगल नहीं है, ए बी सी भी आपके पास ट्राइंगल है, ए बी ये सी, यहाँ पे क्या देखिए ए बी सी, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक, ए बी यहाँ पे डी है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी डी, यहाँ पे राइट कर दीजिए, ए बी डी इज अ क्या है, ये ट्राइंगल है, एंड राइट एंगल एट क्या है, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल क्या है बी है, तो एंगल देखिए हमारे पास क्या है, एक और आप चीज यहाँ पे राइट कर सकते हैं, अगर आपको ज्यादा और राइट करना है तो ए बी डी बी एक ट्राइंगल है, एंड ए बी ई बी क्या है, ये ट्राइंगल है, तो आप और भी चीज यहाँ पे राइट कर सकते हैं, मैंने जो मोस्ट चीज यहाँ पे की वो मैंने राइट कर ली है, एंड राइट एंगल एट बी, एंड राइट एंगल क्या है बी है, ये भी राइट कर दिया। अब हम एंगल के बारे में राइट कर देते हैं कि एंगल्स हमारे पास कितने हैं, तो देखिए एंगल ए डी बी, एंगल ए डी, ये डी है यहाँ पे, आप डी राइट कर लीजिए, डी ए डी बी, ए डी बी क्या है, देखिए ए डी बी, ए डी बी 60 डिग्री, ये है ए डी बी 60 डिग्री है, एंड एंड एंगल ए ई, यहाँ पे ई राइट कर सकते हैं, ए ई बी क्या है, देखिए ए ई बी 30 डिग्री हो गया, ये भी हमने राइट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके बारे में कुछ अब सॉल्व करना है, हम वो सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमने क्या सॉल्व किया है केसेस में, देखिए इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, तो ए बी डी मैंने क्या लिया, देखिए यहाँ पे ए बी डी है, तो मैंने यहाँ पे एंगल भी कर दिया, ए बी डी में राइट ट्राइंगल है, तो इसमें मैंने एंगल क्या लिया 60 डिग्री लेंगे, क्योंकि ए बी डी में ऑनली यहाँ तक का एरिया आएगा, तो ए बी डी थोड़ी चलो 60 डिग्री हो जाएगा। देखिए इसमें भी क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का ही यूज हो रहा है, हाइपोटेनस से हमें मतलब नहीं, मतलब हाइपोटेनस का यूज नहीं है, तो हम यहाँ पे बेस ले सकते हैं और या फिर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या ले सकते हैं, कॉर्ड ले सकते हैं। तो मैंने क्या लिया यहाँ पे टेन थीटा लिया, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, तो टेन थीटा मतलब एंगल क्या है यहाँ पे 60 डिग्री है, तो टेन 60 इक्वल क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर देखिए ए बी, क्योंकि हम ए बी सी ले रहे हैं, तो ये ट्राइंगल के अंदर जितने भी होंगे परपेंडिकुलर बेस ये यूज होंगे, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ए बी, और बेस क्या है, यहाँ तक का बेस क्या होगा बी डी, ये ए बी अपॉन बी डी हो गया। अब टेन 60 की वैल्यू होती है √3, तो टेन 60 में मैंने क्या पुट कर दिया, √3 पुट कर दिया, एंड ए बी, ए बी हमने मैंने स्टार्टिंग में ही सॉल्व करके बताया था आपको, सब्ट्रैक्ट किया था, ये जो ए बी की जो हाइट आ रही थी वो कितनी आ रही थी, 28.5 मीटर आ रही थी, किसकी हाइट, ए बी, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जब मैंने आपको डायग्राम के बारे में राइट किया था तो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके आपको बताया था कि ए बी इक्वल क्या था, 28.5 मीटर आया था, एंड बी डी, और बी डी हमको क्या करना है, फाइंड करना है, क्योंकि ये आपके ट्राइंगल ऐसे कि अगर आप टू टाइम वन
ए बी सी और ए बी ई ले लेते हैं, तो टू टाइम में आपको आंसर आ ही जाएगा, आपको कुछ भी अगर फाइंड करना हो इससे रिलेटेड। अब देखिए बी डी हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ पे अब क्या करते हैं, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वन ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मैं बी बी डी का मल्टीप्लाई रूट थ्री में करूँ तो क्या आएगा, बी डी मल्टीप्लाई रूट थ्री आ जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा 28.5 से करूँ क्या 28.5 आ जाएगा। अब देखिए बी डी की वैल्यू को फाइंड करना था, तो थ्री कहाँ पे आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, तो बी डी की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर ली। बट अभी बी डी की वैल्यू क्या है, मैंने आपको ऑल टाइम मैं आपको बोलता हूँ, जब कभी हम ये फाइंड करते हैं, जब डिनोमिनेटर में क्या हो, रूट वाले नंबर हो, तो आप उसी टाइम क्या कर दीजिए, वहां पे रेशनलाइज कर दीजिए डिनोमिनेटर का, जिससे नंबर क्या हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे। तो बी डी यहाँ पे देखिए रूट थ्री है, तो मैंने राइट क्या कर दिया, रेशनलाइज ऑफ द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में रूट थ्री है, इसका मैंने रेशनलाइज मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए बी डी इक्वल 28.5 अपॉन रूट थ्री, तो रूट थ्री का मैं क्या करूंगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो 28.5 को मल्टीप्लाई रूट थ्री में करूंगा क्या, 28.5 रूट थ्री ये मीटर है, आप यहाँ पे मीटर राइट कर लीजिए, अपॉन रूट थ्री का मल्टीप्लाई रूट थ्री में करेंगे तो क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। अब देखिए इसको मैं कट भी कर सकता हूँ, थ्री को मैं इससे अगर कट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 9.5 मीटर आ जाएगा। आप इसको कट भी कर सकते हैं, मैंने क्यों कट किया, क्योंकि ये कट हो रहा था, देखिए कैसे 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 5 15, मतलब 3 के रूल में आ रहा है, 15 नीचे 3 से कट होगा, तो इसको कट करने में क्या आ गया, 9.5 मीटर रूट 3, मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दिया। अब हम सेकेंड इक्वेशन में क्या फाइंड करेंगे, सेकेंड केस में ए बी ई, अब जब हम ये फाइंड कर लेंगे तो उससे हमारे पास क्या होगी, एक और वैल्यू हो जाएगी, और पुटिंग कर लेंगे जिससे हमारे जो हमको फाइंड करना था, ये डिस्टेंस जो फाइंड करना था वो हम फाइंड कर लेंगे। अब हम सेकेंड केस में क्या करेंगे, देखिए ट्रायंगल क्या लेंगे, ए बी ई, तो यहां पे लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी ई। अब ए बी ई में देखिए इसमें क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ रहा है, तो किसका फॉर्मूला यूज होगा, टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा का आप जब फॉर्मूला लगाते हैं पी बी पी एच एच बी में, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस देखिए किसका फॉर्मूला, साइन कॉस टेन का होता है, तो टेन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पे हम एंगल ले सकते हैं, एंगल ए ई बी इक्वल ए ई बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब देखिए टेन थीटा, टेन थीटा मतलब एंगल क्या है हमारे पास, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमने ए बी ई लिए, इसलिए परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा यहाँ पे, ए बी अपॉन बेस। अब देखिए बेस यहाँ पे टू बेस है, फर्स्ट ये बेस है, सेकेंड ये बेस है, मतलब यहाँ पे टू बेस होंगे, तो हम लास्ट बेस क्या लेंगे, बी ई, बी ई ये ले लेते हैं, और यहाँ पे हमको राइट भी करना पड़ेगा, क्योंकि बी ई इक्वल क्या है, देखिए बी ई, क्योंकि यहां से यहां तक आने में आपके पास टू बेस हो रहे हैं, कौन से, बी डी प्लस डी ई हो रहा है, तो हमने यहाँ पे ये भी राइट कर दिया। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, टेन थीटा, टेन 30 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा, ए बी की देखिए वैल्यू है, यहाँ पे ए बी की वैल्यू हमारे पास है 28.5 मीटर, अपॉन में क्या है, बी ई, बी ई यहाँ पे देखिए टू बेस है, तो बी ई की जगह क्या पुट करेंगे, बी डी प्लस डी ई, ये हम पुट कर, यहाँ पे हमने राइट कर दिया है 10 30 इक्वल, मतलब हमको क्या दिया, ट्राइंगल ए ई बी लेना, तो 10 30 इक्वल हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी प्लस डी ई। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल ए बी, ए बी देखिए ए बी हमने यहाँ पे फाइंड किया था 28.5 मीटर अपॉन बी बी डी, बी डी यहाँ पे देखिए क्या है, बी डी हमने फाइंड किया था 9.5 मीटर √3 प्लस, और डी ई हमको फाइंड करना था डी ई। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई मैं इससे करूँगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 9.5 मीटर √3, और इसके साथ क्या होगा, ये प्लस ये डी ई भी यहाँ पे जाएगा, तो डी ई इक्वल, तो इक्वल में यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 28.5 मीटर √3, 28.5 मीटर का मल्टीप्लाई रूट थ्री में क्या आ जाएगा, 28.5 मीटर √3 आ जाएगा। अब रूट वाले नंबर को मैं रूट के पास ट्रांसफर कर दूंगा यहाँ पे, तो रिमाइनिंग क्या बच रहा है, डी इक्वल क्या होगा, 28.5 मीटर √3,
और प्लस में है तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, तो -9.5 मीटर रूट। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 5 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0.8। 8 में हम 9 को मतलब 8 में 9 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो 18 में हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा और रिमाइंडिंग क्या हो जाएगा, 1। मतलब डिसिमल के बाद की वैल्यू की, यहाँ पे डिसिमल के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, तो इसको डिसिमल के बाद 0 हटा देते हैं और क्या बच रहा है, मीटर रूट 3। ये क्या हो गया, डी ई। और डी ई हमको फाइंड क्या करना था, डिस्टेंस फाइंड करना था। किसका डिस्टेंस फाइंड करना था, डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग के पास वो कितना गया था, उसका क्या डिस्टेंस था, वो हमको फाइंड करना था। तो राइट कर देते हैं, एंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग इज बिल्डिंग इज 19 मीटर रूट 3। ये हो गया का डिस्टेंस, ये भी हमने फाइंड कर लिया है। अब इस टाइप क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, जब मेन आर्कुलेटर डायग्राम, अगर आपने डायग्राम बना लिया है तो सॉल्व करने में उतनी प्रॉब्लम नहीं जाती है। तो ओके, थैंक यू स्टूडेंट।